Hello students, in this lecture we have discussed chapter 2 NCERT exercise numerical. अभी तक हमने illustration solve किए along with topic dimensional analysis and dimensional formula. Right now we are mainly focusing the conversion related numerical of NCERT chapter 2. So in this lecture you have to remember all the conversation whatever we are discussing in the previous lecture. So in lecture number 12 we start the NCERT exercise solution 2.1 mein four part diye gaye hain. So one by one hum usko solve karte hain. 2.1 part a. What is given in the data? Maine data write kiya hai, aur yadi aapke paas textbook ho to aap textbook leke baith sakte hain aur solve kar sakte hain. The volume of a cube, तो आपको पता है volume of cube क्या है, V equal to L cube, yes or no? So for that we have to given length of the one side of cube, so of side 1 centimeter, so length is given in centimeter and we have to calculate the volume is in meter cube, so which value is given? 1 centimeter cube, 1 centimeter, because volume of cylinder, volume of cube, you know, V equal to L cube. And what is L? 1 centimeter cube equal to length meter cube. तो आपको ये वाला formula पता होगा. 1 meter equal to 100 centimeter. That implies 1 centimeter equal to 10^-2 meter. ये वाला 10^2 है. ये इस side जाएगा. तो reverse हमको calculate करना है. तो यहाँ पे 10^-2 है और उसकी पावर कितनी है? 3. सो 3 2 जा क्या आएगा? -6. सो ये वाला आपका आंसर है, ये रीजन है. यहाँ पे मैंने क्यूब किया तो यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा, तो इसकी भी पावर क्यूब, तो 3 2 जा क्या आएगा? 6. सो 10^-6, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2.1 पार्ट ए का. नाउ बी की ओर बढ़ते हैं. द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर स्क्वायर. तो आपको पता होगा कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ये सिलेंडर है, तो उसके 3 सरफेस हैं, ये सर्कल, पाई आर स्क्वायर, आप ऐसे देख सकते हो, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व्ड सरफेस है. कर्व्ड सरफेस के लिए कितना एरिया होगा? 2πRh. ओके, सो हमको ये तीनों एरिया ऐड करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द गिवन क्वेश्चन. सो व्हाट इज गिवन इन द डेटा? R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बट वी नीड टू फाइंड एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर. फॉर दैट यू नो दिस रिलेशन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. फ्रॉम द डेटा we need to convert centimeter into millimeter. ये वाला टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, बाई पुटिंग द वैल्यू 2 × 10 20 मिलीमीटर. सिमिलर वे हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, सो वट इज हाइट इन कॉरस्पॉन्डिंग मिलीमीटर? 10 × 10 100 मिलीमीटर. तो जो सेंटीमीटर में दिया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिलीमीटर में. ओके, नाउ वी यूटिलाइज द डेटा इन मिलीमीटर. वट इज एरिया? अभी मैंने बताया 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. सो बाई डूइंग दिस सिंप्लीफिकेशन ये 2πR² हो गया. यदि आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो तो अब भी रख सकते हो. कौन सा टर्म कॉमन निकलेगा? 2πR, और क्या बचा? R प्लस h. तो हमको R एंड h की वैल्यू गिवन है, वो सेंटीमीटर में थी लेकिन हमको कैलकुलेट करना है मिलीमीटर में. सो वो किस वैल्यू हम यूटिलाइज करेंगे? ये वाली 20 and 100. सो 20 and 100 एंड ओवर ईयर 20, यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14. सो बाई डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, ये 100 + 20 120 × 20 × 2 × 3.14, यू विल गेट दिस मच आंसर, 157.2. वॉट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मिलीमीटर स्क्वायर. बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कन्वर्जन, सो लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल फॉर दैट. सपोज हमको 1000 दिया है तो हम लिख सकते हैं 10^+3. 100 दिया है तो 10^+2. तो हाउ वी कैन राइट दिस कन्वर्जन? सो आप देख सकते हो, तो हमने पावर 3 पुट की, तो कितने पॉइंट शिफ्ट हुए हम लेफ्ट साइड. यदि यहाँ पे मैं पॉइंट रख सकता हूँ तो यहाँ पे 0.0 लिख सकता हूँ, तो 1, 2 एंड 3.
सो इसका आंसर ये भी मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³, इसका 1 × 10⁻² तो कितने पॉइंट में लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, 1, 2 एंड 3। तो जितने पॉइंट में लेफ्ट साइड शिफ्ट होता हो उतनी पावर पॉजिटिव आती है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर पावर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट यहाँ पे है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो गया 1.5 × 10⁴। तो ये वाली जो डिजिट है आप रिमूव कर सकते हो, ओके 1.5 × 10⁴। वंस अगेन हाउ मच पॉइंट्स वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, 1, 2, 3 एंड 4। सो 1.5 × 10⁴ एंड दिस यूनिट रिमेन एज इट इज। सो ये वाला हमारा आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स, ये वाला आंसर है ब्लैंक मीटर इन 1 सेकेंड। तो हमको डेटा दिया है किलोमीटर पर आवर में और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ये 9th स्टैंडर्ड का न्यूमरिकल है। वेलोसिटी इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर, बट किलोमीटर का मीटर कितना होता है 1000, आवर की सेकेंड कितनी होती है 3600। आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, 1 आवर 60 मिनट 1 मिनट 60 सेकेंड। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 16 × 60 3600 सेकेंड। तो बाय डूइंग दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म वी गेट दी 5 आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर? इन 1 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी व्हीकल इज 5 मीटर। सो व्हाट शुड बी माय आंसर? 5 मीटर। ओके, इन 1 सेकेंड 5 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय दी गिवन व्हीकल। और ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो हमने फॉर्मूला यूटिलाइज किए वो आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, लेकिन अभी जो फोर्थ वाला सम है उसमें जो एप्लीकेशन दी गई है वो रिलेटिव डेंसिटी की है। और आप रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, लेकिन कोई भी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप रिकॉल कर लेना। ओके, ये वाला फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला पे फॉर्मूला अंडरस्टैंड कराता हूँ, उसके बाद में हम न्यूमरिकल सॉल्व करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सिंपली हम RD लिख सकते हैं। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी का सिंबल पता है रो और W मीन्स वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए। ये वाला टर्म है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ kg/m³। ये आपको पता होना चाहिए, वाटर की डेंसिटी इतनी है। तो ये वाला यदि आपको पता नहीं है तो आप टॉप ऑफ द पेज लिख सकते हो, ताकि आप रीडिंग के दौरान आपको पता चले इजीली कि हाउ वी कैन गेट दिस वैल्यू। ओके, नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, लेड इज गिवन 11.3। सो इट्स डेंसिटी वी हैव टू कैलकुलेट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड kg/m³। तो हमको पता है कि वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg/m³ है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे kg/m³ में आंसर, और सेकेंड टाइम हम उसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हुआ, तो आपको ये फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। कोई भी बच्चे को ये फॉर्मूला आता नहीं है, यदि आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो क्या हम कर सकते हैं, ये वाला हमको कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ लेड। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और लेड इज इक्वल टू वॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, सो रिलेटिव डेंसिटी इन टू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इन kg/m³? तो kg/m³ में कितना है, 10⁻³। ये आपको याद रखना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी का आप देख सकते हो 11.3। डेटा में यूनिट क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि दोनों डेंसिटी है तो डेंसिटी का यूनिट कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो 11.3 रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, और डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg/m³। तो क्या आंसर आया मेरा, 11.3 एज इट इज, 10⁻³ एज इट इज। ओके, ये वाला मेरा फर्स्ट आंसर आ गया kg/m³ में। अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो kg का ग्राम कितना है, 1000 × 10⁻³। मीटर का सेंटीमीटर कितना है, 10⁻²। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो
कि यहाँ पे 1 meter 10^2 centimeter, तो क्या हमको कैलकुलेट करना है 1 meter cube, तो 10^2 raised to 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या है 10^6, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या प्लेस किया है 10^6, तो ये 10^6 3+3 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कौन सा आंसर बचा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एक आंसर ये हुआ और सेकेंड आंसर ये हुआ, तो हमने डेंसिटी ऑफ लेड दोनों यूनिट में कैलकुलेट कर दी। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज का 2.1 के चारों पार्ट थे, और अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 2.2 पार्ट ए। 2.2 का पार्ट ए क्या दिया गया है, 1 kg into meter square per second square इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हमने ये न्यूमेरिकल पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, 1 newton हाउ मच डाइन, 1 joule हाउ मच अर्थ, तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, आप खुद से ट्राई कीजिए, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, 1 joule = 10^+7 और तो इसमें आंसर क्या आएगा +7 10^+7। कैसे कर सकते हो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, मीटर का सेंटीमीटर, आपको आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी आपकी थियरी में दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। वन लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको आंसर आपको उसका आंसर है डिस्टेंस का यूनिट है, तो उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं LY मीन्स लाइट ईयर। ओके, L स्टैंड्स फॉर लाइट, Y स्टैंड्स फॉर ईयर, तो व्हाट इज द प्रूफ, ये वाला आपको सेपरेटली लिखना है, ये इसका पार्ट नहीं है। ओके, और क्या शॉर्टकट है वो भी मैं आपको इस लेक्चर के दौरान बताऊंगा। तो 1 LY मीन्स व्हाट, LY मीन्स लाइट ईयर, सो आपको आपको आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड का हम यूटिलाइज करने वाले हैं। 1 light year इट मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टेकन, सो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट दैट यू लर्न इन द 10th स्टैंडर्ड, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड टाइम टेकन इज वन ईयर, तो आपका ईयर को कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए ईयर का, सो 1 year = 365 days, 365 day, 1 day = 24 hours एंड 1 hour = 3600 seconds, तो ये वाली वैल्यू हमने पुट की, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8, टाइम टेकन इज वन ईयर, सो 365 × 24 × 3600, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस टर्म यू विल गेट दिस आंसर, या आपको खुद से ट्राई करना है कि हाउ यू गेट, बिकॉज टूवर्ड्स लेफ्ट जब आप शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, टूवर्ड्स राइट साइड पॉइंट शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव आएगी। ओके, ये वाला लॉजिक मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है, तो इसको शॉर्टकट वे से आप याद भी रख सकते हो, तभी ये बी पार्ट आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो क्या है इसका शॉर्टकट, आपको ऐसे याद रखना है, 1 light year इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर, तो उसका आंसर क्या आएगा, 9th स्टैंडर्ड में इतने चौके छक्के लगाए कि 15 अवार्ड मिले, तो कैसे आपको याद रहेगा, 9th स्टैंडर्ड में इतने चौके छक्के लगाए स्टूडेंट ने कि उसको 15 अवार्ड मिले, जो अवार्ड है वो 10 की पावर है और ये 9.46, तो आप ऐसे इस वैल्यू को याद रख सकते हो, 9.46 × 10^+15 meter, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसका रिवर्स है, 1 meter = blank light year, तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन लाइट ईयर की इस लेक्चर के दौरान निकाल दी, तो ये आप सेपरेटली लिखोगे तभी आप ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो व्हाट इज लाइट ईयर, सो 1 light year = this much meter और उसका शॉर्टकट भी हमने देख लिया, तो 1 LY = this much meter, ये रिवर्स फॉलो करना है, तो 1 meter को सब्जेक्ट बनाइए, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी, तो क्या आया 1 meter = 1/9.46 × 10^15 light year, तो 1 divide by 9.46 करोगे कैलकुलेटर में, ये वाला टर्म मिलेगा,
और आप देखो ये पॉइंट मैंने वन वन टूवर्ड्स वन डिजिट राइट साइड शिफ्ट किया तो पावर नेगेटिव आएगी। ऑलरेडी माइनस 15 है, माइनस 15 माइनस 1 क्या आई, माइनस 16। तो आपको ऐसा ही लॉजिक पता होना चाहिए, टूवर्ड्स लेफ्ट पावर इज पॉजिटिव, टूवर्ड्स राइट पावर इज नेगेटिव। ओके, तो ये वाला मेरा आंसर है 1 मीटर इक्वल टू 1.057 इंटू 10^-16 लाइट ईयर। थर्ड पार्ट और उसका फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट है 3 × 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 1 मीटर का किलोमीटर कितना है, 10^-3, किलोमीटर का मीटर प्लस 3 है तो मीटर का किलोमीटर कितना होगा, माइनस 3। 1 सेकेंड इक्वल टू ब्लैंक आवर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता है 3600 सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड मीन्स 1/3600 आवर। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको यूटिलाइज करने हैं इस लेक्चर के दौरान। तो ये वाला टर्म एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड, नाउ 3 एज इट इज, व्हाट इज मीटर का किलोमीटर कितना है, माइनस 3। सेकेंड का आवर कितना है देख लो, पहले ऐसे लिखो आप, सेकेंड का आवर कितना है, तो ये वाला टर्म 1/3600, लेकिन कितनी पावर है, 2, यहाँ पे भी 2 है। ओके, तो पावर 2 रखी। अब आप देख सकते हो कि ये न्यूमरेटर एज इट इज रखा है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है और उसका स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला का स्क्वायर इंटू 3 करोगे और इंटू 10^-3 करोगे तो आपको आंसर ये वाला मिलेगा 3.8 × 10^+4। यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है 11th-12th के दौरान। आपको ऐसा कन्वर्जन खुद ही आना चाहिए। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो ये स्टेप आपको खुद से करना है 3.8 × 10^+4 की किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में राउंड ऑफ करके दिया है, वो वाला आंसर है 3.9 × 10^+4। तो ये यूनिट एज इट इज आएगा, तो उसका मीनिंग क्या है, यूनिट एज इट इज आएगा। ये राउंड ऑफ का मीनिंग क्या है, तो वो हम जब सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और अभी तक आप ये आंसर लिख सकते हो कि इसका आंसर ये है 3.9 × 10^+4। ओके, थैंक यू।